ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू ऑन पेज नंबर 137। तो लेट्स स्टार्ट, देखते जा रहा है क्वेश्चन में क्या बोला है। पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है, दिस इज ओल्ड रेशियो। यार बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर, तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट देके रखा है आपको, ठीक है, सबका ध्यान स्क्रीन पे। ऑन 1/4/2019 ये डेट हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये जो डेट दिया हुआ है ये हम कहाँ लिखेंगे 1/4/2019 बैलेंस शीट। दे एडमिटेड आशा, तो आशा इज द इनकमिंग पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो टर्म नंबर वन, पहला टर्म क्या है, फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर आशा इज टू ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। तो देखो, इट इज क्लियरली मेंशनड दैट आशा विल ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड आशा विल ब्रिंग ₹15,000 फॉर गुडविल इन कैश। तो इसको देखकर, ठीक है, मैं पढ़ के मेरे को समझ में आ जाता है कि गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश टू एंट्रीज, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। एंड यहाँ पर है शी विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल। तो कैपिटल ब्रॉट इन बाय आशा, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री विल बी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सब लोग सुनना ये क्वेश्चन का वर्किंग नोट। So the first journal entry pertaining to capital brought into business will be cash account debit to Asha's capital account. What is the value? Value is 30,000 rupees. Okay, so value is 30,000 rupees. तो कैश लिख सकता है या 12th स्टैंडर्ड केस में यू कैन राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, ये फर्स्ट वन, इसका एंट्री हो गया मेरा लिख के। नेक्स्ट ये जो है 15,000 ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, तो गुडविल ब्रॉट इन कैश का भी जर्नल एंट्री हम लोग लिख देते हैं। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश का फर्स्ट एंट्री आता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। सिंस ये मेरा वर्किंग नोट है, मैं इसमें शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट एंट्री, इसके साथ साथ मुझे एक और एंट्री पास करना पड़ेगा, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। हु आर द ओल्ड पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर है पद्मा एंड कुमुद। तो टू पद्मास कैपिटल, टू कुमुद्स कैपिटल, ठीक है। ये जो 15,000 है ये पद्मा एंड कुमुद में इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो, बोलो प्लीज रिस्पॉन्ड, विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग। एंड जो शॉर्टकट मैंने तुमको सिखाया था, जब भी ऐसा फ्यूचर प्रॉफिट का शेयर दिया रहेगा तो ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑल्सो बी 3:2। तो 3:2 मतलब इसको डिवाइड कैसे कैलकुलेट करेगा तुम, 15,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट गिव्स मी 3,000, ठीक है। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये पहले वाले का होगा 9,000, दूसरे वाले का होगा 6,000 रुपया। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया क्या इधर तक? अरे यस और नो प्लीज रिप्लाई। फाइन, तो ये तो हमारा लास्ट लेक्चर में होता सेम चीज। सेकेंड, हाफ ऑफ द अमाउंट इज गुडविल, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ओके। तो गुडविल विड्रॉन, ये लास्ट लेक्चर में नहीं था, तो गुडविल विड्रॉन का जर्नल एंट्री क्या है, जरा पेज घुमा के देख के बताओ मेरे को क्या जर्नल एंट्री है। गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, जर्नल एंट्री क्या है? ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बराबर। तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट, तो कुमुद कैपिटल एंड पद्मा कैपिटल अकाउंट, ये दोनों डेबिट होगा बिकॉज दे आर द रिसीवर, टू कैश और बैंक अकाउंट बिकॉज ये अमाउंट गोज आउट। कितना कितना लेके जा रहे हैं लोग दोनों, देखो यहाँ पर वर्ड है, कितना लेके जा रहे हैं? हाफ। हाफ मतलब ये कुमुद अपना हाफ लेके जा रही है। कुमुद का कितना गुडविल के नाम पे, कुमुद के नाम पे कितना पैसा है? 9,000 का हाफ 4,500। कुमुद का कितना है? 6,000 का हाफ 3,000। तो इसका मतलब तो वो घर पे लेके जा रहा है वो लोग दोनों, दैट इज 7,500, दिस मच कैश दे आर विड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस।
आई होप ये क्लियर है, ठीक है, ये किसका किसका एंट्री है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तुम लोग भी बाद में ना लिख के रखना, जिनसे इनिशियल स्टेज है, ठीक है। ये है कैपिटल का एंट्री, कैपिटल ब्रॉट इन टू बिजनेस, ये गुडविल ब्रॉट इन कैश, एंड ये है गुडविल विड्रॉन। तो ये है मेरा फर्स्ट थ्री एंट्रीज, एनी डाउट डिफिकल्टी ये तीन एंट्री में, इसी पे सम है, ये आ गया तो आगे तुमको आ जाएगा, आगे इट इज वेरी सिंपल, बोलो एनी डाउट, बोलो मैडम, नो डाउट, ओके चलो आगे। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो बोलते हैं स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगाओ, एक्चुअली स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है, स्टॉक पे इंक्रीज डिक्रीज होता है, बट ये लोग डेप्रिसिएशन बोल रहे तो ठीक है। एंड मशीनरी बाय 5%, तो स्टॉक एंड मशीनरी दोनों पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मतलब मेरा स्टॉक का वैल्यू एंड मेरा मशीनरी का वैल्यू विल रिड्यूस, तो अगर इसका वैल्यू इज रिड्यूसिंग तो इट इज प्रॉफिट फॉर मी कि इट इज लॉस फॉर मी, असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट है कि लॉस है, बताओ, लॉस लॉस फॉर मी। तो हम लोग एक तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन स्टॉक एंड मशीनरी से, एंड दूसरा इफेक्ट किधर लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बिथ साइड, डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, वेरी गुड। तो ये जो रिस्पेक्टिव असेट्स है उसमें से इट विल बी रिड्यूस्ड, एंड देन तुम लोग लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट फोर्थ वन, RDD is to be maintained at 3000, बोलता जो RDD है उसका वैल्यू 3000 होना चाहिए, लेकिन अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी RDD अब है, यहाँ पर देखो इट इज ऑलरेडी मेंशन, कितना है ऑलरेडी यहाँ पर RDD प्रेजेंट, कितना है 3000 करो, मतलब कितना इंक्रीज करना पड़ेगा हमको, 600, तो 600 का जो RDD है वो मेरे को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो RDD बढ़ने के वजह से मेरा डेटर का वैल्यू विल रिड्यूस, सो इफ माय एसेट इज रिड्यूसिंग तो इट इज प्रॉफिट फॉर मी कि इट इज लॉस फॉर मी, लॉस इज लॉस फॉर सर, व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ एसेट रिड्यूसेस इट इज लॉस, ठीक है। आगे फिफ्थ वन, फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड टू 16,050, फर्नीचर बोलते फर्नीचर का जो वैल्यू है वो 16,050 पे लेके आओ तो वो इंक्रीज होएगा, तो फर्नीचर अप्रिसिएट हो रहा है, अप्रिसिएट मतलब वैल्यू इज इंक्रीजिंग, तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, बताओ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। यहाँ पर बोल रहे बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग भी अप्रिसिएट हो रहा है, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट प्रॉफिट है। तो ये है मेरा एडजस्टमेंट, यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट भी है, ठीक है, यहाँ पर कैश अकाउंट मेंशन नहीं है लेकिन अपन कैश और बैंक करके लिखेंगे। तो ये है अपना सम, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ तुमको हमेशा, लास्ट लेक्चर में भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, पांच जर्नल एंट्रीज बोला, देखो यहाँ पर पांच जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेजर भी बनाएंगे एंड जर्नल भी बनाएंगे, जो पूछा है उसको पहले बनाने का, मतलब जर्नल एंट्री पूछा ना तो जर्नल एंट्री पहले बनाने का, लेजर बाद, लेकिन लेकिन हम लोग जब सम करेंगे ना तो हम लोग पहले लेजर बनाएंगे। लेजर में क्या क्या बनता है, व्हाट आर द 4-5 आइटम्स जो हम बनाते हैं, पहला तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, अभी कल किया रहेगा तो थोड़ा बहुत आइडिया तुमको है। उसके बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर पद्मा कुमुद आशा, ठीक है, फिर उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट, क्या लिखना मैंडेटरी है, आफ्टर एडमिशन, एंड यहाँ पर डेट क्या लिखेंगे हम, ये वाला डेट, दैट इज 1st of April 2019, तो यहाँ पर मैं डेट में भी लिख देता हूँ 1st April 2019, एंड उसके बाद हमारा दो वर्किंग नोट, वही कैश और बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ठीक है, बना दो जरा फटाफट, फिर हम लोग सम साथ में करते हैं, बना दो, जर्नल एंट्री बाद में लिखेंगे, जर्नल एंट्री का भी लाइन मार के रखते ना, लोग लिखेंगे उसको बाद में, पहले ये सम सॉल्व होने के बाद जर्नल एंट्री करेंगे, ये लाइन मार के रख। चलो तो लेट स्टार्ट, हम लोग हमेशा जो हमारा टेक्निक है वो सेम ही रखेंगे, नो चेंजेस। तो पहला हम लोग करेंगे इसका एंट्री, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इसका जर्नल एंट्री मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका दोनों का मैंने जर्नल एंट्री यहाँ लिखा है, तो ये जर्नल एंट्री देख के ना मैं एंट्री लेजर में पोस्ट कर दूंगा। तो फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल, तो यहाँ पर कैश अकाउंट इज डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, तो कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखूंगा मैं टू आशास कैपिटल,
कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में ऊपर से एक लाइन छोड़ के लिखूंगा टू आशास, सब लोग साथ में लिख सकते हो टू आशास कैपिटल अकाउंट एंड द वैल्यू इज 30,000 रुपीज. तो टू आशास कैपिटल 30,000. अगर टू आशा कैपिटल हो रहा है तो आशा के कैपिटल में जाके मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट. आशा के कैपिटल में जाके यहाँ लिखूंगा बाय कैश और बैंक अकाउंट, या बैंक अकाउंट भी तुम लिख सकते हो. बैंक अकाउंट आशा के कॉलम में 30,000. विद दिस मेरा ये जो फर्स्ट एंट्री है ये एंट्री हो गया कंप्लीट. फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीटेड. Cash or bank to assess capital. Okay, everyone done. चलो आगे. Entry number two. Entry number two में ये पहला entry. Cash or bank account debit to goodwill. तो cash or bank account debit हो रहा है. तो cash or bank के debit में जाके हम लिखेंगे to goodwill. Cash or bank के debit में जाके लिखेंगे to goodwill. To goodwill account. वैल्यू कितना था? वैल्यू था 15,000 रुपया. अभी यहाँ पर टू गुडविल लिखा तो गुडविल अकाउंट में जाके हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक. तो गुडविल अकाउंट में बाय कैश और बैंक अकाउंट वैल्यू 15,000. तो टू गुडविल एंड गुडविल में बाय कैश और बैंक. टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश और बैंक अकाउंट. चलो नेक्स्ट. तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड. अभी आते हैं सेकंड पार्ट में. तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू दोनों पार्टनर लोग का कैपिटल. टू पद्मास कैपिटल दोनों भी लिख सकते हो साथ साथ में. टू पद्मास कैपिटल अकाउंट 9,000. फिर टू कुमुद कैपिटल अकाउंट. कुमुद कैपिटल अकाउंट 6,000. तो टू कैपिटल हो गया. तो कैपिटल में जाके हम लिखेंगे बाय गुडविल. तो कैपिटल में जाके हम लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट. पद्मा के कॉलम में पद्मा का फिगर, कुमुद के कॉलम में कुमुद का फिगर, आशा के कॉलम में डैश. मतलब आशा के जीवन में निराशा, उसको कुछ नहीं है. ठीक है. तो मेरा ये जो सेकंड एंट्री है जो मैंने स्क्रीन पे रखा है ये एंट्री इज कंप्लीटेड. रुका हुआ तुम लोग के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आएगा. ये सब आई होप तुमको याद है. तो मेरा फर्स्ट एंट्री का था, मेरा सेकंड एंट्री का था. मतलब जो मेरा क्वेश्चन है उसमें ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है मेरा ये हो गया फिनिश. अब ये सेकंड वाला जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. तो ये हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन. ठीक है. जरा मेरे को बताओ, ये देखो इधर पद्मास कैपिटल डेबिट हो रहा है, कुमुज कैपिटल डेबिट हो रहा है. तो कहाँ लिखने का वैल्यू? कैपिटल अकाउंट में किधर जाके लिखूं? डेबिट साइड में. डेबिट साइड में. चलो तो कैपिटल अकाउंट में चलो सब लोग फटाफट. तो डेबिट साइड में जाके लिखो उधर टू कैश और बैंक अकाउंट. कैश और बैंक अकाउंट तो पद्मा के कॉलम में 4,500, कुमुद के कॉलम में 3,000, आशा के कॉलम में कुछ डैश. तो यहाँ अगर मैं टू कैश और बैंक लिख रहा हूँ तो कैश और बैंक में जाके क्या लिखूंगा? बाय बाय पद्मास कैपिटल, बाय कुमुद कैपिटल. तो कैश और बैंक अकाउंट में जाकर यहाँ पर लिखूंगा बाय पद्मास कैपिटल, पद्मास कैपिटल अकाउंट वैल्यू 4,500. के बाद बाय कुमुद कैपिटल, कुमुद कैपिटल 3,000. तो मेरा दोनों इफेक्ट इज कंप्लीटेड. तो मेरा ये वाला एंट्री भी हो गया खत्म. कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में. डन. हुआ क्या?
हुआ तो एक थम्स अप डालो, हो गया तो थम्स अप डालो सर, हो गया, ये तीन आपने जो किया हमारा भी हो गया, फाइन क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल चैप्टर, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है। मैंने कहा ना ट्वेल्थ में ना सिर्फ दो ही लेसन है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट मतलब तुमको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उसमें से एक तो हमारा हो चुका है, हम दूसरा बाकी है, होगा थोड़े दिनों से, थोड़े दिनों में मतलब थोड़े महीनों। तो ये मेरा फिनिश हो गया, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो चलो स्टॉक 36,000 बैलेंस शीट में लिख देते हैं, स्टॉक 36,000, उसने डेप्रिसिएशन बोला है, लेकिन हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, हम लोग लिखते लेस रिड्यूस, कितना रिड्यूस है 10%, तो 3,600 बार के कॉलम में आएगा 32,400, तो 3,600 बार के कॉलम में 32,400। ये जो स्टॉक रिड्यूस हुआ है इट इज लॉस फॉर मी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके मैं डेबिट में लिख दूंगा टू स्टॉक अकाउंट वैल्यू 3,600, टू स्टॉक अकाउंट एंड द वैल्यू इज 3,600। चलो डन, आई थिंक दिस इज इजी एंड इट्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, मशीनरी है 15,000 का, तो बैलेंस शीट में लिख दूंगा मैं मशीनरी 15,000 लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 5%, 5% मतलब 750 आए बार के कॉलम में 14,250। This depreciation is loss for me. So since it is loss for me, I will write it on revaluation account debit side, machinery account, and the value is 750 rupees. ये value check करते रहना सब लोग, नींद में मत करना, value check करो, मेरे से गलती हो गया तो मुझे बताओ सर ये value wrong है, यहाँ पर ये value आना चाहिए, ठीक है। चलो डन, इधर तक हो गया सबका, ओके अभी रुको, अभी कोई लिखना मत, ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। फोर्थ वन, आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 3,000, जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जरा देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा डेटर, इनर कॉलम में 62,400 कोई है ना डेटर का वैल्यू, यस, मेरा वैल्यू यहाँ पर आएगा लेस आरडीडी, आरडीडी बोलते हैं 3,000 रखने के, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनना, 59,400, ठीक है। अभी मेरा एसेट का वैल्यू है रिड्यूस्ड, बराबर, बताओ कितने से कम हुआ मेरा एसेट का वैल्यू, बोलो रे कितने से कम हुआ, 3,000, बोलो कितने से कम हुआ, एक आंसर आया 3,000, चैट बॉक्स में डालो ना मेरा एसेट का वैल्यू कितने से कम हुआ, ये डेटर में एसेट का वैल्यू कितने से कम हुआ बताओ, देर विल बी डिफरेंट डिफरेंट आंसर, ओके। हर्ष करण गुटकर बोलता है अलग आंसर है, हर्ष करण गुटकर का, बाकी 3,000 है सब लोग का, ठीक है, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, ओके, एक हर्ष करण गुटकर ही अलग निकला, एंड हर्ष करण गुटकर का आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर विल बी 600 रुपीज, तुम बोले सर 600 कैसा, इधर तो 3,000 लिखा ना, अरे माई डियर गाँव वालों, इधर देखो 2,400 ऑलरेडी लेस ये हुआ है इसमें से, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला उसने कि 3,000 पे लेके आओ, मतलब एडिशनल कितना लॉस हो रहा है मेरा, सिर्फ 600 रुपया। देखो ना इधर देखो, बाहर देखो, इधर क्या है 60,000 है असेट का वैल्यू, एंड अभी वैल्यू कितना हो गया असेट का, एक मिनट रुको, अभी वैल्यू कितना हुआ असेट का, बाहर देखो कितना हुआ 59,400, मतलब 600। तो यहाँ पर जब मैं लिखूंगा ना रिवैल्यूएशन में, रुपया लिखना मत, यहाँ पर जब मैं लिखूंगा ना टू आरडीडी अकाउंट, तो मैं वैल्यू 3,000 नहीं लिखूंगा, मैं वैल्यू लिखूंगा 600 रुपीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट लोग है ना इसमें सॉलिड गलती करता है, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम लोग गलती करो, तो इसको ना जरा अलग कलर में लिखना,
लोग है ना गाय गाय में इधर 3000 माइनस किया तो उठा के इधर 3000 ली, अरे 2400 ऑलरेडी बैड डेट्स है मेरा, देखो 2400 ऑलरेडी आरडीडी है, वो बोलते हैं वो आरडीडी में और इंक्रीज कर 600, तो जो मेरा ऑलरेडी लॉस चल रहा था उसमें एडिशनल लॉस, ये इनकमिंग पार्टनर जब आ रहा है उस टाइम पे जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो एडिशनल कितना लॉस हो रहा है 600 रुपया ओनली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव अ डिफरेंट कलर पेन अवेलेबल तो जरा उसमें लिख लेना, ठीक है, अलग कलर का पेन से लिखना यहाँ पर आरडीडी 600, ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट लोग इसमें मिस्टेक कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें है लेकिन इसमें ना रॉन्ग हुआ तो तुमको बहुत बुरा लगेगा एग्जाम, ऐसा लगेगा अरे यार क्या इसी क्वेश्चन था और मैं गलत करके आया। तो यहाँ पर 3000 माइनस होएगा, रीवैल्यूएशन में सिर्फ 600 आएगा बिकॉज 600 का मेरे को लॉस हो रहा है, नॉट 3000, ठीक है, लिख लो इसको, मैं तुमको 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं। अलग कलर का पेन से लिखना, देखो भले ही तुमको ये वीडियो रिकॉर्डिंग आज तुम देख रहे हो, तुमको बाद में भी देखने का मौका मिलेगा, लेकिन आई एम 100% श्योर बोर्ड एग्जाम का एक दिन पहले ना तुम सारा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देख पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी चैप्टर का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो है 10 hours 12 hours का, तो अगर तुम ऐसा देखते बैठेगा तो तुम अपना प्रैक्टिस एंड पढ़ाई कभी करेगा। तो ये जब मैं बोल रहा ना रेड कलर में लिखो या कोई भी कलर जो तुमको पसंद है वो कलर में लिखो एंड सब इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके रखो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम के दिन तुमको उसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा आज कहीं, ठीक है, चलो हो गया आरडीडी कंप्लीट। अभी आते हैं आगे, फर्नीचर शुड बी अप्रिसिएटेड टू 16,050, तो फर्नीचर है 14,100 का, तो चलो लिख देते हैं फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर है 14,100 एड एप्रिसिएशन, कितना एप्रिसिएशन ऐड होगा बताओ जरा मेरे को, 16,000 ऐड करूं, 16,050 ऐड करूं क्या, नहीं 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 16,050 है ना मेरा बार का वैल्यू है, यहां पर मेरे को 16,050 चाहिए, तो मैं ऐड कितना करूंगा, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1650 माइनस 14,100, तो मैं ऐड करूंगा 1950, तो मेरा फर्नीचर का वैल्यू हैज इंक्रीज बाय 1950, तो सिंस मेरा एसेट का वैल्यू हैज इंक्रीज इट इज प्रॉफिट फॉर मी, तो यहां पर ऑन द क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट एंड द वैल्यू इज 1950, ये समझा क्या सबको, हाँ ना कुछ तो बोलो, ये समझ में आ गया, यस सर, इजी क्वेश्चन, चलो वेरी गुड, शुड बी अप्रिसिएटेड टू, अगर यहाँ पर अप्रिसिएटेड बाय वर्ड होता तो बाय बाय अप्रिसिएटेड बाय 16,000 यहाँ पर बोल रहा उधर तक लेके जा 16,000 तक लेके जा 16,000 ऐड करने बोल रहा, ठीक है, तो ये कंप्लीट। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग का वैल्यू इज 45,000, बैलेंस शीट में बिल्डिंग 45,000 उसमें हम करेंगे एप्रिसिएशन, कितना एप्रिसिएशन 20%, तो 45,000 का 10% इज 4,500, उसका डबल इज 9,000, तो बार मेरा वैल्यू आएगा 54,000, तो मेरा बिल्डिंग का वैल्यू हैज इंक्रीज्ड, सिंस मेरा बिल्डिंग का वैल्यू हैज इंक्रीज्ड इट इज प्रॉफिट फॉर मी, आई विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट वैल्यू इज 9,000, लिख लो सब लोग यहां तक लिख लो, ठीक है, इधर तक किसी को कोई डाउट कोई डिफिकल्टीज पूछ लो फटाफट, सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट, कोई एडजस्टमेंट में डाउट, फर्स्ट वन सेकंड वन थर्ड वन फोर्थ वन फिफ्थ वन, एनी डाउट, नो डाउट, नहीं सर, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी बैलेंस शीट का आइटम, जरा ध्यान से, ठीक है, इसमें कुछ नया चीज आएगा तो रुको, तुम लोग रुको, पहला मैं बैलेंस शीट का सब करता हूँ फिर तुम लोग कर, तो फर्स्ट आइटम है बैंक, तो ये बैंक मेरा बैंक बैलेंस में जाएगा, तो मैं वर्किंग नोट में जो कैश और बैंक अकाउंट रखा उसका ओपनिंग बैलेंस दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
to balance brought down. Value is 22,500. Next, bills receivable 11,400. तो ये जो bills receivable है ये मेरा asset में जाएगा. इधर बीच में जगह मैं लिख देता हूँ bills receivable. Bills receivable 11,400. Later, stock, furniture, machinery, building, all done. ठीक है, सब ठीक है, मतलब उसका adjustments and complete हो चुका है. Liability, creditor. Creditor जो है वो liability में लिखेंगे हम 37,500. तो creditor 37,500. Next, bills payable 30,000. ये भी liability. Bills payable 30,000. Next, bank loan. Again, liability. बोले सर फिर काय के लिए रुकने बोला, ये इजी तो है, हम लोग भी तो कर सकता था, रुको ना, देखो अभी आया नया. जनरल रिजर्व, ये है इम्पोर्टेंट. जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मतलब क्या रहता है, इट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. अभी तक जो लोग बिजनेस कर रहा था ना आशा के आने से पहले, तो उसमें जमा हुआ वाला प्रॉफिट है ये 7,500. मुझे पता एकदम कॉमन सेंस है, एकदम कॉमन सेंस. अगर ये प्रॉफिट है सर, तो अगर मैं इसको बांटूंगा तो कौन से पार्टनर लोगों में बांटूंगा? सिर्फ पद्म और कुमुद में बांटूंगा कि तीनों को दूंगा? पद्म और कुमुद. ये जो प्रॉफिट है ना ये सिर्फ येल्लो दोनों का मेहनत का है. मतलब येल्लो दोनों अभी जो बिजनेस चला रहे थे उसमें जो जमा हुआ प्रॉफिट है वो लायबिलिटीज में आता है. ठीक है, तो ये जो जमा हुआ प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे पद्म एंड कुमुद में. तो अगर मैं पद्म एंड कुमुद में बांट रहा हूँ तो कौन से रेशो में बांटूंगा? अगेन कॉमन सेंस, कौन से रेशो में बांटूंगा? ओल्ड रेशो में बांटूंगा कि न्यू रेशो में बांटूंगा? ओल्ड रेशो. अरे पहले का है ना, तो पहले का है तो पहला वाला रेशो. तो ये जो जनरल रिजर्व है 7,500 इसको मैं बांटूंगा इन द रेशो 3:2 एंड किस में बांटूंगा? सिर्फ पद्म एंड कुमुद. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर अगर ये बांटना ही है हमको तो कैपिटल अकाउंट में बांटना पड़ेगा, तो कौन से साइड में लिखूं सर, डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं? देखो लायबिलिटी में दिया रहेगा ना तो क्रेडिट में लिखने का, ठीक है, अगर एसेट में दिया रहेगा ना तो डेबिट में लिखने का, बिकॉज ऑल लायबिलिटी आइटम हैज क्रेडिट बैलेंस एंड ऑल असेट आइटम हैज डेबिट बैलेंस. तुमको चाहिए ना लिख के रखो किधर, तो ऑल लायबिलिटी आइटम्स क्रेडिट बैलेंस, तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड ऑल असेट का आइटम विल हैव डेबिट बैलेंस. तो ठीक है, हैविंग सेड दैट ये मैं कहाँ लिखूंगा? यहां पर लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. एंड ये मैं बांटूंगा पद्म एंड कुमुद में. कैसा बटेगा सर? 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया पद्मा का वैल्यू. कैसे डिवाइडेड बाय 5? ये है ना 3:2. अभी ये सब तुमको आता है, इज एन एजम्पशन कि तुमको याद है. कुमुद करेगा 3,000 रुपये. आशा को कुछ नहीं क्योंकि ये वो लोग का प्रॉफिट है. तो ये जनरल रिजर्व मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये समथिंग न्यू. ठीक है, ये नया चीज है, तुम्हारे पास अलग कलर का पेन रहेगा तो उसमें लिख देना. ठीक है, लिख लो, जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, रुको, इसके साथ एक लास्ट आइटम है वो भी खत्म करते. कैपिटल है, देखो कैपिटल लायबिलिटी में दिया है तो क्रेडिट बैलेंस, तो पद्मा 45 कुमुद 36, तो ये कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर आएगा. इधर लिखूंगा मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पद्मा 45 कुमुद 36 आशा डैश. ठीक है, विद दिस मेरा फुल सम इज कंप्लीटेड, मतलब बैलेंसिंग बाकी ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा जो भी है इट हैज बीन कंप्लीटेड. तो मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, तुम लोग एक क्वेश्चन देखो एंड सॉल्व करो. अभी तुमने देखा ना मैंने कैसे किया, उसके हिसाब से सॉल्व करो. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स का टाइम, सॉल्व करो. एंड इन केस अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मैं कंप्लीट कर दूं क्या सम पूरा, तो गो अहेड कंप्लीट कर दो. तुमको याद तो रहेगा ना कल कैसे किया था, तो यू कैन कंप्लीट इट. मैं तुमको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा, बट 5 मिनट इज ऑल योर्स. चलो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि कैसे किया तुमने, क्या किया है. ठीक है, तो पहला हम लोग ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, तो सब लोग जरा ध्यान दो. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सर क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड का टोटल इज 10,950, बड़ा टोटल है तो 10,950 दोनों तरफ हम लिखेंगे. एंड जो डेबिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 4,950 आ रहा है.
तो 10,950 माइनस 4,950, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो है 6,000 का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड ये जो प्रॉफिट है मेरा 6,000 का, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पद्मा एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग कुमुद, ठीक है। पद्मा एंड कुमुद के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ माई प्रॉफिट इज 6,000, एक बार चेक कर लेने का। अभी देखो मेरे पास तो ये फैसिलिटी है जहां पर मैं ऐसा टोटल मार रहा हूँ, तुम्हारे पास एग्जाम में ये सब नहीं रहेगा, तो एक बार चेक करने का कि यहाँ पर ही मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये जो 6,000 है इट विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो, ये जो है प्रॉफिट, ठीक है। चाहिए तो तुमको इधर एक एडिशनल लाइन तुम डाल सकते हो, ब्रैकेट में डाल सकते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये जो मेरा प्रॉफिट है ये हम बांटेंगे ओल्ड रेशो में। तो ये फर्स्ट वाले का आएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 एंड दूसरे वाले का 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। तो ये जो मेरा प्रॉफिट है पद्मा एंड कुमुद में हमने बांट दिया 3,600 एंड 2,400 में। जो रेशियो है वो यहाँ पर लिखने का है 3/5, इसका 3/5 एंड नेक्स्ट वाली का 2/5। क्लियर? कितने लोग को ये आंसर आया था? करेक्ट आया सर, हम लोग ने भी जब किया हमको यही आंसर आया। एक थम्स अप दे दो खाली, में समझ जाएगा कि तुमने बराबर किया। ओके वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो हमने 2 लिखा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर 2 लिखा है तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वहां जाके हमको लिखना पड़ेगा बाय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, पद्मा का कॉलम में पद्मा का फिगर 3,600 एंड कुमुद के कॉलम में कुमुद का फिगर 2,400। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो एक एक का बात करते हैं। पहला ये आशा का अकाउंट क्लोज करते हैं। देखो आशा का क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर बिकॉज क्रेडिट साइड में टोटल है सर, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल हम दोनों तरफ लिखेंगे। जरा ध्यान दो सब लोग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन आशा के कॉलम में 30,000। तो आशा का कॉलम फिनिश। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कुमुद का टोटल। तो कुमुद का टोटल कितना आता है 47,400। तो यहाँ पर भी 47,400, उसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 44,400। तो दिस इज कुमुद का बैलेंस। फिर नेक्स्ट है पद्मा, तो पद्मा का टोटल है 62,100, तो यहाँ पर भी आएगा 62,100। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगा 62,100 माइनस 4,500, दैट गिव्स मी 57,600। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल माय पार्टनर्स। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी के साइड में। तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम, ठीक है, फर्स्ट आइटम हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट लाइन में हम लोगों तीनों पार्टनर लोग का नाम लिखेंगे, पद्मा कुमुद एंड आशा। आशा का वैल्यू 30,000 था, फिर पद्मा का वैल्यू 57,600 एंड कुमुद का वैल्यू 44,400। फिर इसका टोटल हम लिखेंगे बाहर, इसका टोटल विल कम ₹1,32,000, ठीक है। अभी मेरा एक डेंजर सा सवाल, क्या मेरा बैलेंस शीट टैली होगा? लेकिन कैश में तो डेफिनेटली वी हैव अ बैलेंस। तो यहाँ पर कैश अकाउंट का डेबिट में है 67,500, डेबिट साइड ज्यादा है,
कैश अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगा, तो कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा यही साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सॉरी कैरिड डाउन 67,500 में 7,500 माइनस होगा तो मेरा कैश का बैलेंस विल कम टू 60,000. तो ये जो 60,000 है कैश हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट में, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैश और बैंक अकाउंट. वैल्यू 60,000. अभी चेक करो, अभी तुम्हारा बैलेंस शीट शुड टेल यू 2,47,500 मेरा लायबिलिटी साइड में आ रहा है, 2,47,500 मेरा असेट साइड में आ रहा है, 2,47,500. इतना करने पर तुमको मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स, अगर लेजर वाला क्वेश्चन है तो. ठीक है, यहाँ पर हमको जर्नल एंट्री भी पूछा. कंप्लीट कर दो सर, जो जो लोग अभी तक सॉल्व कर रहे हो ना कंप्लीट कर दो, मेरा क्राउड स्क्रीन. ठीक है, जर्नल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं. जर्नल एंट्री मैं नहीं सॉल्व करूंगा, जर्नल एंट्री करोगे तुम लोग सॉल्व. तो जर्नल एंट्री कैसे करने का, तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे. तो ये है मेरा क्वेश्चन सर, तो जर्नल एंट्री स्टार्ट कैसे करेंगे. तो देखो पहला ये जर्नल एंट्रीज तो है हमारे पास, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो ये जर्नल एंट्री नंबर 1, जर्नल एंट्री नंबर 2, जर्नल एंट्री नंबर 3 एंड ये जर्नल एंट्री नंबर 4. ठीक है, तो सर ये इसका नरेशन क्या आएगा, कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस. ध्यान से सुनना, कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस. ये दूसरे वाले का नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश. फिर यहां पर आएगा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स. यहां पर आएगा बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. सिंपल. ठीक है, आई रिपीट, इसका जर्नल एंट्री आएगा बीइंग कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस, being goodwill brought in cash, being goodwill distributed among old partners. यहाँ पर ये जो लास्ट ये थर्ड नंबर इधर लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली फोर्थ होगा तुम्हारा, ये थर्ड रहेगा. तो इसका आएगा being goodwill withdrawn by old partners. ठीक है, बाद में लिखना, रुको जरा टाइम प्लीज. इसके अलावा ना तुम्हारा एक और जर्नल एंट्री आएगा, एंड वो जर्नल एंट्री है ये वाला. इसको है ना स्टूडेंट लोग भूल जाएंगे, ये जो तुमने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया ना जनरल रिजर्व, इसका भी एक जर्नल एंट्री बनेगा. तो क्या जर्नल एंट्री बनता है इसका, जरा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में देखते हैं. तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल, देखो जनरल रिजर्व हमने लिखा है यहाँ पर, क्या एंट्री आ सकता है इसका, कौन बताएगा इसका एंट्री क्या रहेगा, कैसे पढ़ने का इसको, कैसे रीड करेंगे, एनी वन वुड लाइक टू ट्राई. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इसका जब हम लिखेंगे ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा एंट्री रहेगा जनरल रिजर्व का जो एंट्री रहेगा वो रहेगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर लोग का नाम, टू पद्मास कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कैप अकाउंट मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना, टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट. एंड जो वैल्यू है ना वो हमको क्वेश्चन में यहां से मिलेगा 4,500 एंड 3,000. तो ये इसका आएगा 4,500, इसका आएगा 3,000, तो जनरल रिजर्व आएगा 7,500. नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. आई होप ये क्लियर है. अरे सबको समझा क्या, एक थम्स अप दो ना. तो ये कभी भी ऐसा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो सब है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का भी एंट्री आता है, उसको भूलने का नहीं. उसके बाद अपना एंट्री बहुत सिंपल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का खाली शक्ल देखने का एंड एंट्री मारने का. चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाता हूँ. रीवैल्यूएशन अकाउंट बताओ, अगर मैं क्लब एंट्री मारता हूँ, क्लब एंट्री, ये पूरा क्या एंट्री आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. अरे सबको समझ में आ रहा है, पहला ये मारेगा तुम लोग, मतलब वो लिखने के बाद फिर ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, एंड ये जो प्रॉफिट है ये थर्ड. ये प्रॉफिट का क्या एंट्री लिखोगे तुम लोग, प्रॉफिट का क्या एंट्री लिखोगे बोलो. ये है ना टू कैपिटल है ना, तो प्रॉफिट वाला एंट्री क्या पास करोगे,
अरे बोलो रे, क्या एंट्री पास करोगे, कितना इंतजार करा हुआ तुम लोग एक अपना सब बोलने के लिए। डिफिकल्ट लग रहा ना, ऐसा लग रहा ना, अरे सर ये थोड़ा हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखेंगे हम लोग, टू क्या लिखू, पार्टनर्स कैपिटल ऐसा लिखू कि टू पद्मास कैपिटल, टू कुमुद्स कैपिटल लिखू? परफेक्ट, आंसर में लिखेगा टू पद्मास कैपिटल, टू कुमुद्स कैपिटल। खाली पार्टनर कैपिटल नहीं लिखेगा, हमें नाम लिखेगा उन लोग का। अरे खाली पार्टनर मतलब कौन पार्टनर, किसको कितना मिल रहा है वो लिखना पड़ेगा उनको। तो ये 3600, ये 2400, यही है ना, थोड़ा ऐसा मतलब स्टूडेंट लोग को अजीब लगता है। इधर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल है ना, तो बहुत महाशय लोग लिख के आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अरे ओल्ड पार्टनर में कौन पार्टनर, उसका नाम तो लिख, तो तुमको इधर उसका नाम लिखना रहता है। अभी समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे समझ में आ गया, थम्स अप, समझ में आया तो क्लियर है सर, फाइन। तो ये मेरा जर्नल एंट्रीज है, वेरी सिंपल। इसके अलावा देयर इज नो अदर जर्नल एंट्री दैट आई नीड टू राइट इट डाउन। तो अभी देखो तुम्हारे मन में नहीं, बाद में अपनी मन का बाद में करते। तो ये हमारा एंट्रीज है। अभी बहुत लोग ऐसे रहे हैं वो सिंगल सिंगल लिखने के, तो लिख सिंगल सिंगल। पहला आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक्स बीइंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बीइंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड। ऐसे तुम सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं, तुम एक साथ भी लिख सकते हैं। अभी बहुत लोग के शैतानी दिमाग में ये ख्याल आएगा सर एक साथ ही लिखना है ना, तो ये पूरा एक साथ लिखता ना अपन, इसको अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? अरे ऐसा नहीं लिखने का, ये अलग है, ठीक है। ये प्रॉफिट बाद में कैलकुलेट होता है, पहला तुम ये लिखेगा, फिर तुम लोग ये सब रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद ये प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। तो सीक्वेंस है, तो तुम डायरेक्ट एक नहीं मार सकते एंट्री, नहीं तो लोग रहता है पूरा डेबिट वाला एक साथ लिखता है, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। जो प्रॉफिट या लॉस आएगा ना, तो उसका अलग से एंट्री मारने का। ये समझ में आ गया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, समझ में आया? वेरी गुड, चलो लिखो। समझ में आया ना तो लिख डालो, जर्नल एंट्री तुम्हारा काम, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों करो। जर्नल एंट्री के लिए ना मैं वो वाला रखता हूँ, ये वाला एंट्री सामने रखता हूँ, लाइन से मारो जर्नल एंट्री का टोटल निकालो एंड मेरे को मैसेज करो कि सर, मैसेज मतलब चैट बॉक्स में डालो कि सर मेरा ये आंसर आया, ठीक है। आई एम गिविंग यू ऑल 15 मिनट्स का टाइम, आराम से लाइन वाइन मारो एंड लिखो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीज रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 141, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी, ठीक है, एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, मतलब माधुरी का 3 मनीषा का 2, एंड नीचे दिया हुआ एक बैलेंस शीट छोटा सा, लोग किसको ऐड कर रहे हैं? ऑन 1/4/2009 दे आर एडिंग मोहिनी। मोहिनी किसमें था बोलो? ये था किसमें तो था, कौन सा पिक्चर का गाना था? हाँ ये सब बराबर मालूम है, अभी इकोनॉमिस्ट का आंसर पूछेगा तो आएगा नहीं तुमको। देखा उधर का ऐड कर रहा था मोहिनी 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 मोहिनी, मतलब ये पिक्चर गाना है, नहीं ना, तो ऐसा याद रखने का। ये जो डेट है 1/4/2019, ये कहाँ यूज होगा? ये डेट हम कहाँ लिखते? That's my boy. आगे देखो, she is to pay, ये मोहिनी is to pay 1 lakh as her capital. Okay, अभी ये वही बचपन वाला ट्रांजेक्शन, ठीक है, मोहिनी कैपिटल लेके आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें मोहिनी कैपिटल लेके आ रही है, तो बोलो क्या एंट्री आएगा? एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट, मोहिनी, ठीक है, मोहिनी कैपिटल अकाउंट। क्या फिगर है मोहिनी का कैपिटल का? 1 लाख रुपया, 1,000,000, 1 लाख। तो ये मेरा हो गया, हैज टू पे कैपिटल, इधर तक डन। एंड 40,000 हैज हर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब शी इज ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश, बोला ना इधर, शी हैज टू पे, पे मतलब वो कैश में लेके आ रही है, तो वो गुडविल भी लेके आ रही है 40,000 रुपीज। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, टू एंट्री, पहला कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना गुडविल ला रही है सर? 40,000 रुपया लेके आ रही है, 40,000। एंड ये जो गुडविल है, ये इसके साथ हम दूसरा एंट्री मारेंगे, दिस गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द ओल्ड पार्टनर दैट इज माधुरी एंड मनीषा। मनीषा ही थी ना, क्या कौन है दूसरी पार्टनर, कौन थी? मनीषा। हाँ तो मनीषा कैपिटल,
चलो बोलो, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? अरे बोलो ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी, बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो, ये जिसने भी बोला ना, खुद को कान के नीचे एक जोर से मारो. क्यों? क्योंकि तुमने पूरा सम पढ़ा ही नहीं. यहाँ पर देखो नेक्स्ट लाइन में क्या दे रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है. ऐसा दिया रहेगा तो तुम्हारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहता है. बोलो हाँ या ना, क्या तुम्हारा ओल्ड रेशियो? नहीं नहीं, तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूँ. सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. एंड हमने सीखा था हमेशा ओल्ड पार्टनर लोग सैक्रिफाइस करते हैं. तो माधुरी, माधुरी का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 है, मतलब 3/5. माइनस माधुरी का न्यू रेशियो कितना है? 5/10. तो यहां पर मैं 10 डिनोमिनेटर में कॉमन लेके आएगा, तो 10 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पर हो गया 6-5, दैट इज 1/10. एंड फिर दूसरी है मनीषा, तो मनीषा का रेशियो क्या है? 2/5 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या है? 3/10. ठीक है, तो अगेन यहाँ पर 10 डिनोमिनेटर में कॉमन, तो यहाँ पर 10 लाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. तो 4-3 दैट गिव्स मी 1/10. तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ माधुरी एंड मनीषा? इट इज 1:1. क्या मेरा ये बात सबको समझ में आया? थम्स अप. क्या मेरा ये बात सबको समझ में आया? थम्स अप प्लीज. ठीक है, ओके. तो ये देखो, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है. अगर स्टूडेंट लोग ऐसा डाल दिया ना डायरेक्ट कि ओल्ड रेशियो इज मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो खत्म हो गया तुम्हारा सम. सर मेरा सम रॉन्ग आएगा क्या? नहीं, तुम्हारा सम टैली होएगा. टैली तो जरूर होएगा, लेकिन आंसर रॉन्ग आएगा. तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1, ये तुम्हारा वर्किंग नोट में लिखने का. तो फिलहाल हम लोग इसको बांट देते हैं. 1:1 मतलब ये जो 40,000 है ना सर, इसको बांट दो इक्वली, मतलब इसको मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 20,000. सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1. आई होप ये क्लियर है, समझा सबको इधर तक? ठीक है, तो जो थर्ड वर्किंग रहेगा वो रहेगा तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, वो तुम लोग बाद में लिख लेना. तो ये मेरा एंट्रीज हो गया. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ध्यान, इसके लिए मैं बोला ध्यान से सुनना, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट, असेट हैज टू बी रीवैल्यू, तो बिल्डिंग रीवैल्यू करना है. बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, वेयर इज बिल्डिंग? दिस इज बिल्डिंग. तो बिल्डिंग देखो 72 है, बोलते हैं 1,00,000 तक लेके जाओ. तो इसका मतलब मेरा असेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो. इंक्रीज हो रहा है. तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट इज प्रॉफिट की लॉस फॉर मी. प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर मी. तो प्रॉफिट है तो हम रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में लिखेंगे? प्रॉफिट. फिर नेक्स्ट है देखो, प्लांट एंड मशीनरी 48,000, तो ये 60 है, बोलता है 48 पे लाओ. मतलब ज्यादा करो कि कम करो? कम करो. कम करो तो मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस. बोलो बोलो, लॉस है. लॉस है तो हम वैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे. डेबिट साइड में लिखेंगे. ब्रिलियंट. नेक्स्ट, फोर्थ वन, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 4,000 rupees. देखो आरडीडी ऑलरेडी कितना है? 2,000 है. बोलते किधर तक लेके आओ उसको? 4,000. तो मेरा लॉस कितने से बढ़ गया? 2,000 से बढ़ गया. ठीक है, इंपॉर्टेंट ना, पिछला सम में था, वापिस पूछूंगा मैं सॉल्व करने का टाइम. नेक्स्ट फिफ्थ वन, ये क्या बोल रहा? देखो कुछ अजीब सा सेंटेंस है, कोई मेरे को मीनिंग समझाएगा? द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस. हाफ विड्रॉ किया. ब्रिलियंट. करण गुडकर, करण गुडकर ऑन फायर. इसका मतलब है हाफ गुडविल इज विड्रॉन. ठीक है, आधा रखा है मतलब आधा घर लेके गया. तो घर लेके जो जाता है ना, उसका हमको एंट्री मारना पड़ेगा. तो गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो एंट्री नंबर 4. तो गुडविल विड्रॉन का एंट्री क्या आता है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब माधुरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. फिगर बाद में लिखते हैं हम लोग. ठीक है, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड घर लेके जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा 2 cash और बैंक अकाउंट. कितना लेके जा रहा है? आधा लेके जा रहा है. आधा मतलब इसका हाफ ऑफ करते जाओ. माधुरी के नाम पे 20,000 था, तो आधा लेके जा रही है तो 10,000. मनीषा के नाम पे 10,000, तो इसका मतलब टोटल कितना पैसा उठा के लेके गया हम लोग? 20,000 रुपया घर पे लेके गया.
दिस इज गुडविल विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है, वेरी सिंपल सर. इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी प्लीज पूछो. ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, द लास्ट एडजस्टमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर टू बी रीवैल्यूड एट 66,000. तो इधर देखो, इधर है ना थोड़ा नंबर में ना झोल है. वॉट जोल देखो, कैपिटल अकाउंट के सामने 80 लिखा है, जबकि ये जो वैल्यू है ना ऊपर नीचे हो गया थोड़ा. प्रिंटिंग मेरा नहीं प्रिंटिंग, ठीक है. तो ये 80,000 माधुरी का है, फिर ये 100,000 रुपया मनीषा का है, सन्ड्री क्रेडिटर का 60,000 है, एंड बिल्स पेबल का 10,000 है. ठीक है, तो ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, तुम्हारे बुक में भी रहेगा सेम. ठीक है, सेम ही रहेगा. तो बोलते हैं जो सन्ड्री क्रेडिटर है उनका वैल्यू 66,000 कर दो, मतलब मेरा लायबिलिटी का वैल्यू हैज इंक्रीज. So if my liability का value is increasing, is it profit कि it is loss for me? Loss. It is loss for me. Since it is loss for me, I will be writing it on which side of revaluation account? Debit side. That's it. Simple sum. ठीक है, चलो मारो लाइन, मारो कर डालते हैं, सब फिनिश कर देते हैं. लाइन मारो सब लोग, माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी, सब खत्म करते हैं. Easy sum है, मेरे को नहीं लगता इसमें तुमको कुछ difficulty आना चाहिए. एक मिनट, पूछा क्या है देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूलने का नहीं. देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. ठीक है, सिंपल. तो नो जर्नल एंट्री इन दिस क्वेश्चन, लेकिन हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, चलो बना दो फटाफट. दिस इज द लास्ट सम फॉर द डे, मतलब टुडेज लेक्चर. लाइन मारो, आई एम गिविंग यू ऑल 5 मिनट्स का टाइम. लाइन मारने में फास्ट करना चाहिए और उम्र है लाइन मारने का, जल्दी मारो. So let's start with our first adjustment. She is to pay 1 lakh as her capital and share of goodwill. So ये जो goodwill की entry है ना, ये हम लोग पहले ही मार के रख देते हैं. देखो ये है हमारे पास, सब लिखा हुआ है, तो उसको बाद में क्यों करने का, अब भी कर देते हैं. देखो सामने है कैश और बैंक टू मोहिनी कैपिटल, तो तुम लोग भी साथ साथ में लिख सकते हो. सर कैश और बैंक अकाउंट में जाने का, कैश और बैंक अकाउंट में जाके डेबिट में हम लिखेंगे टू मोहिनी कैपिटल. तुम लोग भी लिख दो साथ में, इधर मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट, उधर रुक जाना थोड़ा. मोहिनी कैपिटल अकाउंट वैल्यू 1 लाख. इधर अगर मैंने टू मोहिनी कैपिटल लिखा है, ठीक है, तो मोहिनी कैपिटल में जाके मैं लिखूंगा बाय कैश और बैंक अकाउंट, बाय कैश और बैंक अकाउंट, एंड मोहिनी के कॉलम में 1 लाख रुपया. नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुडविल ब्रॉट इन कैश. तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में एंड गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में, ये दो जगह पर लिखना है हमको. तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाके हम लिखेंगे टू गुडविल, कैश अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल, गुडविल का वैल्यू इज 40,000. एंड गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश और बैंक अकाउंट 40,000. हो गया मेरे गुडविल ब्रॉट इन कैश का फर्स्ट एंट्री हो गया. बट गुडविल ब्रॉट इन कैश का एक ही एंट्री नहीं रहता है, वी हैव टू एंट्रीज ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश. तो सेकेंड एंट्री क्या था, लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ना वहां जाके देखने का, वर्किंग नोट में लिखने का, ऐसे तो रॉन्ग नहीं होगा तुम्हारा. तो एक गुडविल अकाउंट डेबिट टू माधुरी कैपिटल टू मनीषा कैपिटल, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में हम जाके लिखेंगे टू माधुरी टू मनीषा, गुडविल अकाउंट के डेबिट में टू माधुरी कैपिटल, माधुरी कैपिटल अकाउंट एंड टू मनीषा कैपिटल अकाउंट वैल्यू 20,000. तो गुडविल में अगर मैं टू कैपिटल लिख रहा हूं, तो कैपिटल में जाके मुझे लिखना पड़ेगा बाय, बाय गुडविल अकाउंट, माधुरी के कॉलम में 20,000, मनीषा के कॉलम में 20,000. तो मेरा कैपिटल ब्रॉट इन टू बिजनेस एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश का दोनों एंट्री इज कंप्लीटेड. ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री इज कंप्लीटेड.
मेरा थर्ड वर्किंग नोट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलो फोर्थ एंट्री पे ना कर डालते हैं एक बार में। तो माधुरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये किसका एंट्री है, किस चीज का एंट्री है, ये कौन बताएगा? गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर, तो ये उसका एंट्री है। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाके लिखो टू कैश और बैंक, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक, माधुरी के कॉलम में 10,000, मनीषा के कॉलम में 10,000। तो ये टू कैश और बैंक आया, तो कैश और बैंक में जाएगा तो उधर होएगा बाय, इधर टू है तो उधर बाय, वहां पर आएगा बाय मनीषा कैपिटल। मैं यहां से करता हूँ कॉपी, ठीक है, टू नहीं बाय, बाय माधुरी कैपिटल, बाय मनीषा कैपिटल 10,000। तो मेरा ये तीन चार एंट्री कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंट्री तुम्हारे सामने रखा है, एंट्री देख के पोस्टिंग करने आना चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। माधुरी कैपिटल, मनीषा कैपिटल टू कैश और बैंक, डन। इधर तक हो गया सबका, हो गया तो एक थम्स अप डालो प्लीज, हो गया तो थम्स अप, डन। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, असेट टू बी रीवैल्यूड, बिल्डिंग 1,00,000, मशीनरी 48, बिल्डिंग है 72,000, बैलेंस शीट में लिख दो बिल्डिंग 72,000, एड एप्रिसिएशन 28,000, बार 1,00,000, 1,00,000 ही था ना। तो ये जो एप्रिसिएशन हुआ इट इज प्रॉफिट फॉर मी, ठीक है। एंड यू गाइस आर फेमिलियर विद दिस एडजस्टमेंट, तो मैं थोड़ा फास्ट ही रखूंगा इसको। तो बिल्डिंग का सेकेंड इफेक्ट फायदा है मेरा, तो ऑन द क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट 28,000। तो सिंपल एडजस्टमेंट, सब लोग बहुत ध्यान से फटाफट लिखना। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 48, प्लांट एंड मशीनरी 60 था, उसका वैल्यू इज रिड्यूस्ड। तो प्लांट एंड मशीनरी 60,000, उसका वैल्यू 48 करने बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इधर लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 12,000, तो बाहर आएगा 48,000। तो डेप्रिसिएशन इज माई लॉस, तो डेप्रिसिएशन इज माई लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके मैं लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000, डन। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, इधर अकाउंट लिखने का भूलने का नहीं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 12,000। तो मेरा एडजस्टमेंट नंबर 3 इज कंप्लीटेड। एडजस्टमेंट नंबर 4, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000। तो जरा प्लीज होल्ड, ठीक है, वेट वेट, अभी मेरे को जरा हेल्प करो तुम, बाद में यू कैन राइट। तो ये यहां पर सर डेटर्स, डेटर का वैल्यू इज 42,000, फिर उसमें हम लिखेंगे लेस लेस आरडीडी 4,000, बराबर 4,000 करने बोल रहा ना, तो आरडीडी 4,000, तो बाहर आएगा 38,000। नाउ माय क्वेश्चन इज मुझे बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आरडीडी इज माय लॉस, तो यहां पर मैं लिखूंगा आरडीडी अकाउंट, वैल्यू कितना आएगा? अगर तुमने पिछला सबसे है तो तुमको आना चाहिए,
आंसर आना चाहिए 2000। मैं इसको फिर अलग कलर से लिखूंगा एंड मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी इसको अलग कलर से लिखो। क्या तुम बोल दिया एग्जाम के दिन तुमको याद आना चाहिए कि यहाँ पर कुछ तो नया है, ठीक है। आरटीडी डेटर में से लेस आरटीडी 4000 एंड यहाँ पर टू आरटीडी 2000। मेरा आरटीडी का एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस, तो ये हमने कर दिया, विड्रॉन वाला एंट्री ऑलरेडी मार दिया। सन्ड्री डेटर शुड बी रीवैल्यूड एट 66,000, डेटर सन्ड्री क्रेडिटर, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 है, शुड बी रीवैल्यूड एट 66,000। तो चलो बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखो, क्रेडिटर ऑन द लायबिलिटी साइड इनर कॉलम 60,000, उसमें हम लिखेंगे एड इंक्रीज 6,000, आउटर कॉलम 66,000। इंक्रीज इन माई लायबिलिटी इज लॉस फॉर मी, तो सिंस इट इज लॉस फॉर मी मैं यहां पर लिखूंगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000। डन हो गया सबका, थम्स अप डालो, हो गया रे थम्स अप डालो। ये मेरे पास 30 थम्स अप आएगा ना तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 30 आ गया मतलब अच्छा खासा स्पीड में कर रहा था। चलो 30 आ गया, तो एड इंक्रीज 6,000 एंड रीवैल्यूएशन के डेबिट में बिकॉज इट इज लॉस फॉर मी 6,000 वहां पर लिखूंगा। तो विद दिस मेरा सारा एडजस्टमेंट आर कंप्लीटेड। अभी बैलेंस शीट में देख देख के लिखने का काम करने का, तो स्टॉक है 48, चलो फटाफट बैलेंस शीट असेट स्टॉक 48,000, डेटर कंप्लीट, बैंक अकाउंट ये बैंक बैलेंस में चला जाएगा। असेट साइड का हमेशा डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। के बाद फर्नीचर बैलेंस शीट में $10,000। तो मेरा असेट साइड का टोटल कंप्लीट हो गया, मतलब यहां पर जो भी था वो सारा आइटम को मैंने पोस्ट कर दिया। कैपिटल अकाउंट माधुरी 80, मनीषा 1,00,000। तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में है तो इट विल हैव क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन माधुरी 80,000, मनीषा 1,00,000, माधुरी 80,000, मनीषा 1,00,000। सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, फिर नेक्स्ट है बिल्स पेबल विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय लायबिलिटी, बिल्स पेबल 10,000। तो इसके साथ मेरा बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है वो सारा करके भी हो गया, ठीक है। आई होप सबके पास है ना टेक्स्ट बुक है, अभी तक नहीं है ना तो तुम अभी फिर तकलीफ में आएगा क्योंकि इट इज अज्यूम कि तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है। तो दिख रहा है मेरे को ये 12,000, 2,000, 6,000, ये पूरा मिलके 20,000 होता है, यहाँ पर 28,000 है, तो इसका मतलब मेरा क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर, तो 28,000, तो मेरा प्रॉफिट है बिजनेस। तो मैं लिखेगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट लाइन में लिखेगा ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। क्या रेशियो में तुम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा बताओ, रेशियो क्या रहेगा, रेशियो अपना अपना टेक्स्ट बुक में देख के बताओ रेशियो क्या रहेगा।
3:5, 2:5 मतलब ये 8000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड ये दूसरा विल बी 8000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड इसका टोटल चेक कर लेने का दिस कम्स टू 8000 तो माधुरी का रेशियो इज 3:5 यहां पर ऐसा लिखो 3:5 एंड मनीषा का रेशियो इज 2:5 यहां ब्रैकेट में लिखो 2:5 तो मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट इज कंप्लीटेड यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल है तो कैपिटल में जाके हम लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट वैल्यू क्या आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में वैल्यू 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 4800 3200 ये लिखने के बाद अभी हम लोग इसको क्लोज करेंगे स्टार्ट करते हैं मोहिनी से मोहिनी का यहाँ पर एक लाख तो बैलेंस में भी यहाँ पर आएगा 1 लाख रुपीज तो इसको हम लिखेंगे बाय टू बैलेंस कैरेट टर्म यहाँ पर टोटल आएगा 1,23,200 एंड यहाँ पर टोटल आएगा तुम्हारा 1,04,800 इसको लिख दो यहाँ पर 1,04,800 ये दोनों में से 10,000 लेस होएगा इधर 10,000 है तो 1,13,200 24,800 ये जो मेरा बैलेंस कैरी डाउन आया ये बैलेंस कैरी डाउन में कहाँ लिखूंगा बैलेंस शीट में कहाँ लिखूंगा बोलो बैलेंस शीट में कहाँ लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कौन सा साइड लायबिलिटी साइड की एसेट साइड लायबिलिटी साइड तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माधुरी मनीषा एंड मोहिनी मोहिनी का 1 लाख माधुरी 94,800 एंड मनीषा 1,13,200 1,13,200 3,08,000 मुझे बताओ क्या मेरा बैलेंस शीट टैली होगा नहीं होगा क्योंकि सर वो कैश का बैलेंस दिया नहीं आप तो गुडविल तो इधर टैली है तो गुडविल का टेंशन नहीं ये कैश का बैलेंस कितना आता है बैलेंस हमेशा इधर ही आएगा कैश का बाय बैलेंस कैरी टर्म 1,60,000 में से 20,000 पार गए यहाँ पर आएगा बैलेंस के नाम पे 1,40,000 एंड ये जो मेरा बैलेंस है ये जो मेरा येलो कलर में बैलेंस है ये मैं लिखूंगा बैलेंस शीट के असेट साइड कैश 1,40,000 कैश और बैंक 1,40,000 अभी चेक करो तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या 3,84,000 एंड असेट साइड भी 3,84,000 जिनका नहीं हुआ है जरा एक एक बार देख लो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है रीवैल्यूएशन हुआ क्या सबका हुआ रहेगा तो रीवैल्यूएशन एक थम्स अप डाल दो रीवैल्यूएशन डन ठीक है तो ये है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अगर तुम पार्टनर्स कैपिटल लिख रहे हो तो लिख लो स्क्रीन पे रखा है मैं इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल वो जो येलो में है बैलेंस वो जाएगा मेरा लायबिलिटी में
पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल हो गया तो थम्स अप डाल देना, ये भी कंप्लीट हो गया सर। इसके बाद आता है बैलेंस शीट, अपना वर्किंग नोट भी बाकी है, भागो मत, वर्किंग नोट बाकी है। एक स्क्रीनशॉट ले लो ना बैलेंस शीट का, एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, तुमको वर्किंग जो है ना वो भी लिखना है, सम के पीछे तुम लिख सकते हैं, मैं तुमको ना दे देता हूँ। आई होप इसका स्क्रीनशॉट हो गया रहेगा अभी तक। ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ये वाला पार्ट बाद में लिख लेना तुम, ठीक है, ये वाला पार्ट है ना बाद में लिख दो वर्किंग नोट। एंड ये तुम्हारा फाइनल वर्किंग, तो फिलहाल स्क्रीनशॉट लेके रख देना और बाद में तुम इसको कंप्लीट कर सकते। आज शाम को कोई लेक्चर नहीं रहेगा, ठीक है, तुम लोग आराम से घर पे बैठ के स्टडी करो। डन हो गया, स्क्रीनशॉट हुआ क्या सबका? हो गया, वो तो फास्ट रहेगा तुम लोगों को, तो हम लोग का आदत है सर डेली का काम, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट फॉर द डे। ये लेसन रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कभी बीके में डिफिकल्टी नहीं आएगा, ठीक है। फाइन, थैंक यू, बाय बाय।